जय माता दी। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज जो है, आज है बुधवार और बुधवार के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ठीक 12 बजे, और 12 बजे जाने वाला हूँ मैं घिंडवाड़ा। तो आज है भाई शुभम भाई का बर्थडे, तो शुभम भाई के बर्थडे की कहीं विजिट होने वाली है जो सरप्राइज़ है, और उनके ही मुँह से सुनने को मिलेगा आज की कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम। तो चलते हैं और देते रहते हैं आपको आगे के अपडेट्स, तब तक के लिए बने रहिए। दोस्तों यार मैं निकल चुका हूँ घर से बाहर और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब आज पहली बार जाएंगे हम जहाँ भी जाने वाले हैं। वैसे उसने मेरे को बता रखा है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसके मुँह से सुनेंगे क्योंकि वो बर्थडे बॉय है आज। देखो दोस्तों रास्ते के हाल, देखो रास्ता ऐसा लग रहा है कि मैं जंगलों के बीच से जा रहा हूँ, रास्ता दिख ही नहीं रहा पूरा। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ पूरा घिंडवाड़ा, तो अभी आपको घिंडवाड़ा नहीं दिखाएंगे, घिंडवाड़ा का एक स्पेशल व्लॉग होगा जो कुछ स्पेशल डे पे होगा। तो अभी आपको बताएंगे, सीधे सुबह मुरो की दुकान पर मिलेंगे हम, तो चलते हैं भाई। दोस्तों मेरे साथ हो चुका है बहुत ही भयंकर प्रैंक। मैंने समझा शुभम होगा अपनी दुकान पर, लेकिन वो निकला अपने घर में, तो अब मेरे को शिमला जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। स्पेशल शिवांग भाई आए हमको लेने के लिए बाइक में, और हम बैठ गए। चल लेकिन चल भाई, गिराना मत। नहीं नहीं नौ सिखो है अभी। तो ये हम पहुंच चुके हैं शिमला में, और ये मयंका गौर शिवांग भी बाइक चलाना सीख चुका है भाई, बड़ी मुश्किल से लाए गए मेरे को यहाँ तक। अभी हम पहुंच चुके हैं शुभम बिष्ट भाई के घर में, यहाँ चल रहे हैं पूजा। बोल नमस्ते। नमस्ते गाइस, यहाँ देखो भीड़ भड़ा का। अरे ना कुछ नहीं। नमस्ते नमस्ते भाई, बहुत बढ़िया नहीं पीरा। अरे मैं भी ले जाऊं। हैप्पी बर्थडे बच्चों, अरे घर की चाय पकौड़ी चल रही है, कोल्ड ड्रिंक है वो। ये पकौड़े बच्चे को नमस्ते कौन कर रहा है? देखो पकौड़े की संख्या। मेरे को नमस्ते कौन कर रहा है? नमस्ते दीदी, हम नमस्ते नहीं करते। हमें कौन? शुभम भाई, शुभम भाई। तो दोस्तों शुभम भाई बताएंगे आपको कि आज कहाँ जाने वाले हैं हम। चल कहाँ जाएंगे आज? देखते रहो, चलते रहना था, पता चल जाएगा। अरे बताओ यार कहाँ जा रहे हैं? पता चल जाएगा अपना। हम जा रहे हैं चंद्रबदनी सुरकंडा टी। मेरे यार इसको चार लगा दे। बताओ आई फोन वाले, यहाँ जगह नहीं हो रही बैठने के लिए। ब्लॉगर के कर दे पूरे हाल। अरे शुभम भाई गाड़ी बंद कर दे यार। बस रे और शुभम भाई आज बर्थडे का पूरा फायदा उठा रहे हैं यहाँ पे। भाई नहीं चलो यार, मैं मेरे हाथ में जाएंगे ठीक है। मैं बना रहा हूँ व्लॉग गाइस, इनवाइट यार। और चल चुकी है हमारी पूरी टीम। जय माता दी, जय माता दी। बोलो जय शुभम। बाबा शुभम की शुभम ब्लॉगर जिंदाबाद। तो अभी हमारी टीम जा रही है देवप्रयाग के संगम में नहाने के लिए। मेरे को हो रहा है कपलाट खतरनाक, गाड़ी में कपलाट हो गया खतरनाक वाला। और यहाँ है हमारी पूरी गैंग जा रही है संगम में नहाने के लिए। दोस्तों अभी हम आए हैं देवप्रयाग के संगम में। यहाँ देखो हमारा सूट फोटो शूट चल रहा है बड़े मस्त। यहाँ देखो और वहाँ पर है संगम, हवा चल रही है एकदम कड़कड़ कड़कड़ कर, बहुत ही तेज हवा एकदम। तो दोस्तों ये हमारा लोकल बाजार देवप्रयाग का बाजार, मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया था आप लोगों को ये बाजार। दोस्तों अभी हम आए हैं संगम में, पीछे देखिए मेरे संगम। सबसे पहले जय गंगे मैया, और दिखाते हैं आपको संगम का नज़ारा। और अभी यहाँ पे बड़ा हवन कर रहे हैं। तो अभी हम रास्ते के ये शिवजी भगवान के मंदिर के सामने रुके हैं, और यहाँ चल रहा है भाई फोटो शूट हमारा, और यहाँ पे शुभम ब्लॉगर बर्थडे बॉय। और बर्थडे बॉय के साथ यहाँ पे ना इंसाफी हो रही है। मयंक तू भी काट यार, पूरा निकाल दे, पूरा निकाल दे बेटा, निकाल दे निकाल दे बेटा। अरे केक सेलिब्रेट कर लो हमारे साथ। टू यू हैप्पी बर्थडे, टू यू हैप्पी बर्थडे। एक दूसरे तक खिला बोल रहे हैं। ओए गलत बात, इन दोनों अबे एक दूसरे तक खिला ले। हैप्पी बर्थडे मयंक, एक दूसरे तक खिला ले। नहीं हड़ता भी नहीं दे। सुबह मैं मयंक बोलने वाले थे हम।
अबे हाथ नहीं निकाले तो हाथ में चगू लगी हुई ऐसी वेगन 18 साल लग वेगन ने कदू कदी 18 साल आप तुम आओ अब आप टीनेजर चलो रे भाई जी मैं पहले भाई जाएंगे चलो चल चल मेरे नाम दो लगा दे ना तेरे छोटे भाई भी तेरे नाम मैं तेरे पता नहीं यार पहले भैया यार भैया यार आप सुबह व्लॉगर आज 18 साल का हो चुका है पूरा जंगल में अबे या मुंह धोने की जगह भी नहीं है थोड़ा सब साल मुंह तो हाथ से होने यार मुंह धोने की जगह भी नहीं अरे भाई कैमरा मैन को पूरी यहाँ पे इज्जत दी जा रही है शुभम द्वारा दिन जाएगी यार वाटर केक है जा बाय तो अभी हम पहुंच चुके हैं चंद्रवंदनी के सीधे नीचे अभी यहाँ देखो शुभम भाई व्लॉगर बर्थडे बॉय आज इनका दिन है और बाल हवा में उड़ के पूरे बिखर चुके हैं और ऊपर है अभी बहुत ऊपर है अभी और अमित भाई भी हैं हमारे साथ आज हेलो गाइस सोलाधुनी गाइस सोलाधुनी क्या और कुछ लोग इधर यहाँ देखो भाई शुभम भाई आज के बर्थडे बॉय आज भी ये व्लॉगिंग कर रहे हैं तो दोस्तों थोड़ी देर में हम करेंगे माता रानी के दर्शन और यहाँ है रास्ता बल और थोड़ी चादर भी और बारिश तो देखो भाई बारिश भी लग चुकी है हमारे छाते भी ऑन हो चुके हैं तो दोस्तों आज मतलब काफ़ी आवत आ गई और बालों का ना भूत बन चुका है क्योंकि उड़ उड़ के आ रहे थे और यहाँ देखो यहाँ पीछे भी भाई व्लॉगिंग तीन व्लॉगर एक साथ भाई शुभम भाई की कृपा और बर्थडे और मयंक भाई का भी बर्थडे तुम्हारी कृपा है मेरा मन था कि मैं घर में सोया रहूंगा नहीं बनाऊंगा कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाऊंगा ना जन्मदिन बनाऊंगा लेकिन जब सब दोस्तों ने कहा कि चलते हैं मंदिर चलते हैं हम चल दिए मंदिर चलो भाई चलते हैं शुभम भाई के बताइए राह पे चलेंगे आज हम ऊपर जाना है और बरखा का जो सुसाट था जो बहुत ही खतरनाक था गाइस तो काफी टफ रही ये ट्रिप हमारे लिए ये है यहाँ का मेन गेट और यहाँ पे कुरकुरे बेचे जा रहे हैं मौसम काफ़ी बेरंग हो रखा है यहाँ देखो भाई पूरा कोरा ही कोरा धुंधी धुंध और यहाँ पे हमने थोड़ा नाश्ता वास्ता किया थोड़े कुरकुरे खाए क्योंकि सुबह से भूखे थे नाश्ता भी नहीं कर रखा था किसी ने और दोनों बर्थडे बॉय यहाँ पे ले रहे हैं भाई कुछ शॉपिंग कर रहे हैं दोनों तो कुरकुरों की खोज में हम निकल पड़े यहाँ पे देखिए कुरकुरे ही कुरकुरे 25 वाले कुरकुरे ले लिए जय चंद्र बदनी माँ कुंजापुरी सुरकंडा सूरी राज राजेश्वरी जय चंद्र बदनी माँ कुंजापुरी सुरकंडा सूरी राज राजेश्वरी बारा बैणी लोगर भाई दोस्तों हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी लेकिन हम 8-10 ही बंदे हैं यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है हमको अतिथि यानी कोई भक्त अन्य भक्त नहीं दिख रहे हैं सिर्फ हमें 4-5 लौंडे दोस्तों जो ये आप लाल लाल देख रहे हो ये चुनिया हैं और बांझ के पेड़ में बांध रखी है और ये किसी मन्नत के लिए भी हो सकती है अबे ये देखो कितने सारे मन्नतें मांग रखी है लोगों ने पुजारी नौ दुर्गा नारायणी छे तुमा कारीज सबका सुफल कैरी आरती लागोंदा माँ चंद्र बदनी पुजार गो का तेरा पुजारी नौ दुर्गा नारायणी और अमित रावत भी निरंतर लगे हुए हैं व्लॉगिंग करने में तो यहाँ पे शायद मेन गेट है मंदिर का मैं पहली बार आ रहा हूँ पहली विजिट है गाइड तो आपको फुल सपोर्ट करते रहना है हाँ चलो रे तो ऊपर चादर भी लगी है तब भी लेकिन पानी आ रहा है और मेरे सारे कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे हैं तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग और ईश्वरी भाई की कृपा और आज जन्मे शुभम की वजह से हम यहाँ पहुँच पाए हैं तो बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं इनको ये देखिए हमारी टीम जय माता चंद्रवंदनी ये है भक्त एकदम खड़ी सीढ़ी जय माता दी पैड़ी चढ़ी चढ़ी भगत पहुंचदा तेरा ऊंचा थाने सामने
आज जनी होश संभाली बोली किले कभी तीन खानो निखाई मेरा बाना आज फिर लागी गोले चंद्रवदनी माँ का प्रांगण। यहाँ देखिए आप सब लोग, घंटियाँ देखिए कितनी सारी घंटियाँ लग रखी है। ये है देवी माता का मंदिर, खूबसूरत मंदिर ये देखिए। बारिश भी लगी हुई है तो जिस कारण ये छाता उड़ रखा है हमने, और बारिश नहीं होती तो काफ़ी अच्छी वीडियो बनती क्योंकि कोहरा भी लग रखा है, थोड़ा अंधेरा सा दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम आए थे और यहाँ पर है दरवाज़ा मंदिर का, और ये है हमारे बड़े बॉय। दोस्तों मैं पहली बार आया यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हाइट पे है काफ़ी, पहली बार आए हैं इतने हाइट वाले मंदिर में। तो पीछे देखे मेरे, ये है मंदिर। यात्रा करते करते ना मैं बताना ही भूल गया कि अभी 6 बज चुके हैं भाई। हम 2:30 बजे से जा रखे थे और अब हम जाके 6 बजे, क्योंकि हम देवप्रयाग में भी रुके, हिंडोला खाल में रुके और शिव भगवान का मंदिर था रास्ते में भी, तो उसमें भी रुके, तो हमको भाई 3-4 घंटे लग गए आने में। तो काफ़ी मज़ा आया इस विजिट में। तो यहाँ पर चल रहा है बर्थडे बॉय का फोटो शूट, भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। चढ़ाई देखो गाय, एकदम खड़ी चढ़ाई। और शुभम भाई व्यस्त हैं अपने काम में यानी ब्लॉगिंग में। देखो यार खड़ी चढ़ाई है। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट महाकाल के नाम से दबा दीजिए भाई। महाकाल अभी हो रहा है टाइम 7 बज गए और कोहरा लग चुका है खतरनाक, जिस कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको भी। तो आगे भाई शुभम भाई चले जा चुके हैं, हमारे बर्थडे बॉय आगे और हम भी पीछे पीछे। फिर से आपको देखने को मिलेंगी एकदम खड़ी सीढ़ियाँ। यहाँ देखो भाई एकदम अंधेरू लग रखा है। तो दोस्तों अब होगी आरती, तो हम चलेंगे आरती में ना। मेरा फ़ोन गीला हो रहा है तो इसलिए मैं छाता ला गया। तो आज था हमारे 2 दोस्तों का बर्थडे, शुभम और मयंक का। तो हम यहाँ आए और हम लोग रेंट पे रह रहे हैं अभी, यहाँ नीचे एक कमरा ले रखा हमने। तो हमें 9 बंदे साथ में रहेंगे आज। और ये है माँ चंद्रवदनी का दरबार, तो देख सकते हो आप लोग। और अभी मैं जो व्लॉग शूट कर रहा हूँ रात के 7 बजे कर रहा हूँ। तो दोस्तों मंदिर के अंदर कैमरा लाउड नहीं है। तो दोस्तों हो चुकी है आरती कंप्लीट और हम जाएंगे अब अपने रूम में नीचे, तो चलते हैं भाई। तो दोस्तों रात के 8 बजे मैं और ड्राइवर साहब जी ईश्वरी भाई, हम दोनों जा रहे हैं खाना लेने के लिए सबके लिए। और हमारे पास है 2 छाते, तो अभी हमारा सफ़र है लगभग आधा घंटे तो नहीं लेकिन 20 मिनट तो लगे जाएंगे, क्योंकि पूरा जंगल वाला रास्ता है, नीचे बांझ का जंगल है खतरनाक, तो जंगली जानवरों का भी डर रहेगा। आओ यार फटाफट। तो सबके सब आ रहे हैं शायद, लेकिन शेर के जिगरे वाले हम ही 2 थे जिन्होंने पहले फैसला किया कि हम दोनों जाएंगे खाना लेके आएंगे सबके लिए। तो हम पहुंच चुके हैं होटल के ठीक सामने, यहाँ पीछे देख सकते हो आप लोग होटल, और यही है मंदिर का गेट भी, तो सुबह आपने देखा होगा। तो दोस्तों काफ़ी खतरनाक और डेंजर रास्ता है भाई जंगली जानवरों की, और हम छाता भी लाए थे अपने साथ। गढ़वाली भोजनालय में गढ़वाली सॉन्ग लगा रखे हैं। जय भोले भगवान का जब करते नीचे पहुंच चुके हैं हमारे साथ। और यहाँ पे ब्लॉगर खड़े, मैं नहीं का इंतजार कर रहा था उतने देर से इनको डराने की कोशिश लेके। और दूसरा ये भी बेस्ट है, बाय बाय।
विष्ट भोजनालय जरूर आए, जरूर खाएं। मिर्ची दी है, मिर्ची तो बाद में खाएंगे, हम खाते नहीं, खाना खाएंगे। भैया घुटी मर्च भी खतरनाक। अब तू ऊपर से आके भोजन भी आ चुका है। एक और बताएंगे आपको, यहाँ पे है प्याज। नौ बंदे ना, एकदम टेस्ट पता चल रहा है कि देसी प्याज एकदम ठीक है। और ये आलू भी आलू घरिया नहीं लग रहा है मेरे को, देसी लग रहा है आलू घरिया नहीं लग रहा है। और दाल एकदम पीली है, मस्त लग रही है देखने में। क्या बोलूं भाई, घरिया और देसी की पहचान होनी चाहिए। रोटी एकदम गेहूं की शुद्ध आशीर्वाद आटे की रोटी है गाइस, यहां जरूर आना खाने के लिए एक बार। घरिया जो यहाँ हो जाए उगाया जाता है, देसी का घर। सुबह हम भाई करेंगे रोटी का सेवन, भूख लगे तो भाई हम तो करेंगे सेवन, परमपाल के मार के खाएंगे। और मैं भी खाऊंगा। तो गाइस कुछ ऐसा बोल, क्या सो रहा है? ये ऐसा व्लॉगर है जो होटल में बैठ के पालती मार के खाता है, तो इनके लिए सलाम डाउन। अभी मैं उस सड़क को, सड़क के बीचों बीच और यहाँ पर था हमारा ढाबा जिसमें अभी हमने भोजन का सेवन किया। और यहाँ पे अमित भाई भी कुछ कह रहे हैं, और अभी हम थोड़ी देर में ऊपर चलेंगे अपने ठिकाने में। तो चलते हैं भाई वहाँ पे, व्लॉगर भी सुबह व्लॉगर से मैंने कदम रखा। एलईडी लाइट जल रही है, एक एक और मेरे पास है अभी प्रसाद नहीं, ये फ्रूटी फ्रूटी और मूंग दाल। तो दोस्तों अभी मेरे साथ हैं नव युवा व्लॉगर अमित भाई। दोस्तों आज मेरे साथ जुड़े हैं काफी दो बड़े व्लॉगर, हेलो, एक 12K पे है और एक 2K पे, दो के सब्सक्राइबर हैं जिनके प्लस मोनेटाइज के साथ। ओहो, तो दोस्तों आज बताएंगे तो कैसा रहा आज का दिन। पहले तो अमित भाई से पूछेंगे हम, ऐसे अमित मेरा तो बहुत सही था, बस सुबह भाई की थोड़ी हालत खराब हो गई थी। नहीं गाइस देखो, हालत खराब कुछ नहीं, देवराग में थोड़ी सी उदूब हो गया था, सॉरी ठीक है उपयोग हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैंने वहाँ पे थोड़ा सा वो पिया, ये वो नहीं नींबू पानी ठीक है, नींबू पानी पिया, उसके बाद थोड़ा मेरा प्राण कबलाया नहीं, उसके बाद मैं सीधे सीधे आता रहा और गाड़ी में एंजॉय करते करते चिल करते मैं भूल गया कुछ, मैं वो प्राण भी कबलाता है मेरा। उसके बाद हम यहाँ चंद्रपत्नी पहुँच गए, अब यहाँ हमने आरती वगैरह की, भीड़ तो कल सुबह लगाएंगे आरती ली, और हमारा नाइट स्टे इधर ही है। कल का क्या प्लान है वो भी तो बताओ, कल का प्लान हम अभी नहीं बता सकते। ओ सरप्राइज, सरप्राइज है गाइस, सरप्राइज। कल आरती करेंगे, उसके बाद जो प्लान है वो क्रिकेट खा रहे हैं मीठे में। अरे 32,000 सब्सक्राइबर कितने आपके अभी? 544 ये इस ब्लॉग के बाद 544 से 550 होना चाहिए ठीक है, आज रात को ही हो जाएंगे 550। तो 550 करना है पब्लिक आपको भाई, सिस्टम है सिस्टम, पब्लिक नहीं सिस्टम, फाड़ देंगे सिस्टम आज रात को, मैं करवा दूंगा।